हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। IDBI एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपको अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक आपको ये देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट बहुत ही बेसब्री से इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर आपका अगस्त में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जो कि आपका 950 वैकेंसी के लिए था। तो इस बार आप ये मान के चलिए कि लगभग आपकी 750 के आसपास वैकेंसी जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव की निकलने वाली है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कि सिलेबस का क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न, सैलरी आपकी क्या रहती है, एज क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, ये एक एक टॉपिक करके मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि IDBI एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी डेट क्या रहती है, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम 20 ईयर्स रहती है और मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी रहती है। और इसमें आपका कितने कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ग्रेजुएशन में आपका क्या परसेंटेज मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपका अगर आप जनरल OBC AWS से बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटेज 55% होना चाहिए। ST PWD के लिए आपका 50% क्राइटेरिया आपका रखा गया है। और एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि इसका जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द होता है। इवन आप 15 से 20 दिन के अंदर में आप एग्जाम इसका देख सकते हो। जैसे अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक इसका अगर नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो जून मिड तक आप इसका एग्जाम जो है वो आप कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप सभी को अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको एग्जाम पैटर्न अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। अब एज जो है वो आपकी 1 जुलाई 2022 से आपकी रकम चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें बात कर लें कि आपका क्या एग्जाम पैटर्न आपका रहता है, किस तरीके से आपका पेपर जो है वो आपका आता है, तो यहाँ पर आपका टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आपका रीजनिंग का आता है, दूसरा आपका इंग्लिश का आता है, तीसरा आपका कॉन्ट का आता है। तीनों में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के, 150 का ओवरऑल पेपर होता है और 1.5 घंटे का आपके पास टाइम दिया जाता है। और ये जो आपका टेस्ट होता है ये पूरी तरीके से आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रहता है और हिंदी लैंग्वेज में भी आपका रहता है, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपका एक टेस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका रॉन्ग आंसर के लिए क्या पेनाल्टी, तो 0.25 आपका ओवरऑल, मतलब 1/4 आपका पेनाल्टी रहेगी अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे कि इसमें सैलरी किस तरीके से रहती है और एग्जाम फी आपकी क्या है, तो एग्जाम फी आपकी जनरल OBC AWS के लिए 1000 है, ST PWD के लिए आपका 200 आपकी एग्जाम फी रखी गई है। अब यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको 29,000 आपकी सैलरी रहती है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर आपकी 31,000 के आसपास सैलरी होती है, फिर थर्ड ईयर आपकी 34,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी आपकी रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें आपका DA HRA वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं होता है। इवन एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद फिर आप असिस्टेंट मैनेजर Grade A के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हो उसके अपॉइंटमेंट के लिए। अब यहाँ पे IDBI के क्वार्टर्स आपको बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन हैदराबाद में आपका GRPA जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉलोनी है उसके जस्ट पीछे आपको IDBI के क्वार्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में आप सभी के पास बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि इसमें आपके पास एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम रहता है। तो मैंने सारी चीज आपको बता दी है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ये चीजें पता चल सके।